हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज इस छोटे से वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के लेसन द टाइगर किंग के तीसरे पार्ट का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। पहले दो पार्ट के वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं और उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देखकर लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं टाइगर किंग पार्ट थर्ड। द महाराजाज टाइगर हंट्स। महाराज के द्वारा टाइगर्स का शिकार कंटिन्यू चलता रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, बड़ी ही सफलता के साथ। विद इन 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वो 70 टाइगर्स का शिकार करने में सक्षम हुए। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, और अचानक एक ऐसी समस्या उनके सामने आ गई जो अनदेखी थी और इससे उनका कार्यक्रम रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बीकेम इंस्टिंक्ट। टाइगर्स की, चीतों की संख्या अचानक कम हो गई। इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में, हु नोज, कौन जानता था, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, या तो चीतों ने परिवार नियोजन अपना लिया और कमिटेड हराकिरी या आत्महत्या करना शुरू कर दिया, और सिंपली रैन अवे, या सामान्यतः वहाँ से भाग गए फ्रॉम द स्टेट, उस राज्य से, बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट, क्योंकि उन्होंने इच्छा की मारे जाने की बाई ब्रिटिश हैंड्स, अंग्रेज़ों के हाथों में, अलोन मात्र, राजा के हाथों से नहीं। वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा प्रतिबंधपुरम ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर, और कहा, हे दीवान साहेब, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं, ऑफ द फैक्ट, सच्चाई की, दैट 30 टाइगर्स की 30 चीते स्टिल रिमेन, अभी भी बाकी हैं, टू बी शॉट, शिकार होने से, डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक के द्वारा। ही आस्क ब्रैंडिशिंग हिज गन, और उन्होंने अपनी बंदूक को दीवान के सामने लहराते हुए, चमकाते हुए कहा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक के साय में घबराते हुए, दीवान क्राइड आउट, दीवान जी चिल्ला पड़े, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहेगा। नो, एंड आई एम नॉट ए गन, और महाराज, मैं आपकी बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन दीवान साहेब, दीवान साहेब, ना तो आप टाइगर हैं और ना ही आप बंदूक हैं। आई समंड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, मैंने आपको समंड माने कॉल किया है यहाँ पर, डिफरेंट माने भिन्न, पर्पज़ माने उद्देश्य से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, अब मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगिन टू बैबल इवन मोर, अब वो और डर गए, बोले, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, मेरी 2 पत्नियाँ हैं पहले से, इफ़ आई मैरी यू, अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो। डोंट टॉक नॉन सेंस, बकवास बंद करो, वाई शुड आई मैरी यू, तुमसे शादी क्यों करूँगा मैं, वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मुझे तो सिर्फ टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, इसके बारे में फिर सोचिए। योर सेंस्टर्स, आपके पूर्वज, वर मैरिड, शादी किया करते थे टू द सोर्ड, तलवार के साथ। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, आप चाहें तो बंदूक से शादी कर लें। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक ही टाइगर किंग बहुत है सर आपके राज्य के लिए। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसे टाइगर क्वीन की या टाइगर का शिकार करने वाली रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, इस बात पर महाराजा जोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, मैं ना तो टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ और ना ही बंदूक से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बजाय इसके मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इंसान से। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक है, संख्या पता करिए टाइगर पॉपुलेशन, चीतों की जनसंख्या के बारे में, डिफरेंट माने भिन्न, नेटिव स्टेट्स, पास पड़ोस के राज्यों में, कि किस राज्य में कितने टाइगर्स हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देर इज ए गर्ल, और फिर आप इस बात की जानकारी करिए कि उस राज्य में कोई राजकुमारी भी हो, अच्छी लड़की भी हो। इफ़ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, अगर ऐसा होगा तो मैं उससे शादी करूँगा, एक अच्छे परिवार से, ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और एक ऐसे परिवार से भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स की जनसंख्या भी होगी।
द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनकी आज्ञा का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, उन्होंने ढूंढ ली एक सही लड़की जिसके राज्य में विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, बहुत अधिक संख्या में चीते मौजूद थे। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम, हर बार महाराजा जंग जंग बहादुर 5-6 चीतों का शिकार करते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब जब अपनी ससुराल जाते थे। इन द मैनर, इस प्रकार से 99 टाइगर स्किन एडॉर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिवंदपुरम पैलेस, इस तरह महाराजा की वो जो हॉल था बड़ा सा विशाल कक्ष, उसकी दीवारों पर 99 टाइगर्स की खालों का उनके चित्र दीवारों पे लग गए और महाराजा प्रतिवंदपुरम 99 तक पहुंच गए। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, महाराज की चिंता महाराज की हद से ज्यादा बढ़ गई। व्हेन देयर रिमेन्ड टाइगर की चिंता जस्ट वन टाइगर, केवल एक टाइगर कम रह गया अचीव हिज टैली ऑफ 100, उनका शतक पूरा होने से। जैसे सचिन तेंदुलकर 99 के बाद बहुत परेशान थे, 100वें शतक में बहुत टाइम लगा, वैसा ही महाराजा और प्रतिबंधपुरम के साथ हुआ। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, दिन में भी यही बात सोचते थे, रातों में इसी का ख्वाब देखते थे। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई, इस समय तक पहुँचते जितने भी टाइगर्स के फील्ड थे, जंगल थे, वो खाली हो गए। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यहाँ तक कि उनके ससुराल में भी अब टाइगर नहीं बचे। इट बीकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और हर जगह टाइगर्स को ढूंढ पाना भी इम्पॉसिबल हो गया। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, हालांकि सिर्फ एक ही चाहिए था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, काश वो एक और शिकार कर पाता। द महाराजा वुड हैव नो फियर्स ऑफ लेफ्ट, तो महाराजा के जीवन में अब कोई खतरा ना बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इसके साथ ही वो टाइगर का शिकार भी छोड़ देता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसे इस आखिरी शिकार के लिए बहुत सावधान भी रहना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसा कि उस महान मुख्य भविष्यवक्ता ने कहा था जो अब दुनिया में नहीं था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजाज शुड बी वेयर ऑफ द 100, कि 99 के बाद भी महाराज को चिंता करनी होगी उस 100वें की, सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, बात भी सच्ची थी, द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर एक खतरनाक प्राणी है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और हर एक को इससे बचना भी चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां शिकार आखिर 100वां चीता कहाँ मिलेगा। इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, टाइगर का दूध मिलना आसान है लेकिन जिंदा टाइगर मिलना बहुत मुश्किल है। देन द महाराजा वाज संक इन अ ग्लूम, इस प्रकार महाराजा बहुत उदास हो गया। बट सून केम द न्यू द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, अचानक ये खुशी खबर आई इसने इस उदासी को हटाया। इन हिज ओन स्टेट, उसके अपने राज्य में शीप बिगिन टू डिसअपियर, भेड़ें गायब होने लगीं फ्रीक्वेंटली लगातार फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ के पास गाँव में। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of a Khader Mia Sahib or Veera Swami Naikar, पहले तो लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम खादर मियाँ साहब या वीर स्वामी नायकर का हो। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वालो शीप होल, दोनों की प्रसिद्धि थी कि पूरी पूरी भेड़ को निगल जाते थे। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक चीता ही था। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराज, गांव वाले ये खबर देने महाराज तक आए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, महाराज ने तुरंत ही 3 साल की सभी करों में छूट की घोषणा कर दी। फॉर दैट विलेज, उस गांव में, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, तुरंत शिकार के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, लेकिन टाइगर और चीता आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ इट हैड वॉन्टनली डिड इट सेल्फ, कि जैसे वो ये जानबूझकर कर रहा है इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल, कि वो महाराजा की इच्छा का तिरस्कार कर रहा है। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उतने ही शिद्दत से दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया टू लीव द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ने का, अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक कि टाइगर मिल ना जाए। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे,
द महाराजाज फ्यूरी, महाराज का गुस्सा एंड ऑबस्टिनेसी और उनका हट, माउंटेन अलार्मिंगली खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता जा रहा था। मैनी ऑफिसर्स, बहुत से अधिकारी लॉस्ट देयर जॉब, अपनी नौकरी खो चुके थे। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, उनका गुस्सा सबसे ऊंचाई पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराज ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, कि लोगों का लगान दोगुना कर दिया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ।